अकेली पड़ गई हैं भैया रश्मि देसाई। दरअसल जब बिग बॉस के घर में रश्मि की एंट्री हुई थी, रश्मि ने एंट्री मारी थी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में मारी थी कि शो में पता नहीं क्या से क्या करना है, मगर अब रश्मि देसाई वीक 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 दिखती हुई नजर आई। दोस्तों जब से उमर रियाज बिग बॉस के घर से बेघर हुआ है तब से रश्मि देसाई कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर कभी इधर भटकती फिर रही है और अब तेजस्वी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले करण कुंद्रा के द्वारा करण कुंद्रा से कोशिश की गई, करण कुंद्रा को रश्मि देसाई ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी, हालांकि करण कुंद्रा ने रश्मि को नॉमिनेट करके जाहिर करवा दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, जिसके ऊपर बहुत सारे फैंस बढ़ गए कि भैया करण कुंद्रा को रश्मि का साथ देना था, वहाँ पर नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, मगर वो करण की थिंकिंग थी। और ऐसे में तेजस्वी को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही हैं। झांसे में क्या, एक गेम के अकॉर्डिंगली अगर हम कह सकते हैं, झांसा कह लो कुछ भी कह लो, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं, जहाँ पर रश्मि ने तेजस्वी से ठस्से में बात करी और ये कहा कि अगर आगे चल के तेरे पास भी स्टार नहीं है, मेरे पास भी स्टार नहीं है, हम आगे चल के अगर एक दूसरे के लिए स्टैंड लेके गेम खेलते हैं एक दूसरे की सपोर्टिंग में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे हम दोनों को बेनिफिट होगा, हम तीनों एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और साथ में रश्मि देसाई, हम तीनों बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर अपना गेम खेल सकते हैं, जिस तरीके से ये सामने वाली अपोजिट टीम खेल रही है, यानी कि ये OTTians, इनके ऊपर हमें वैसे ही भारी पड़ना है जैसे हम पहले पड़ा करते थे। मगर तेजस्वी प्रकाश के वो बात समझ में नहीं आई है। तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि भैया रश्मि अभी मुझे जो करना है वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी, अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। रश्मि कहती है मेरी बात का क्लैरिफिकेशन दे भाई, देख अगर कुछ ऐसी बात आती है तो मुझे मत भूलियो मेरा नाम लेना, कोई पावर की बात हो या फिर किसी और वे में तो वहाँ पर मेरा नाम ज़रूर लियो, जिससे कि हमारी सपोर्टिंग लगातार बनी रहेगी, अगर तूने मेरे लिए एफर्ट दिखाया तो डेफिनेटली मैं भी तेरे लिए उसका बदला दूंगी। आय हाय हाय रश्मि देसाई बड़ा तरस आ रहा यार बेचारी पे, बहुत 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 फायदा है, अब क्या होगा ये हमें सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। तो देखते रहिए हमारे स्ट्रैंडिंग वर्ल्ड चैनल।